कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल, हमारे यूट्यूब चैनल इलेनी में दुर्गेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लगातार जो सीरीज पढ़ रहे थे जीएस की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। जैसा कि आपने चैनल में जुड़ने से पहले, इस वीडियो को क्लिक करने से पहले जान लिया होगा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो उसका नाम क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक ऐसा अध्याय है जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना अध्ययन अध्यापन का काम शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। चलिए सबसे पहले वैसे तो हम शुरू करते हैं अपने भारत से ही, उसके बाद हम वर्ल्ड के सभी जो ज्वालामुखी को पढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर तीन प्रकार का होता है। ठीक, शांत ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी के बारे में जब हम लोग ज्वालामुखी अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो केवल ये है कि विश्व के सबसे प्रमुख ज्वालामुखियों का अध्ययन करना। तो हमें जानते हैं कि भारत में, भारत देखिए यहाँ पे है, यहाँ दिख रहा होगा भारत में दो प्रमुख जलवायु, एक नारकोडम दिख रहा है, एक बैरन दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर इसे हम लोग देखें तो यहाँ पे एक आपको नारकोडम दिख रहा है और एक बैरन दिख रहा है। ठीक, तो नारकोडम के बारे में हम जान लेते हैं। पहला छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, जो बैरन द्वीप दिख रहा है ये बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि जो बैरन द्वीप है हमारी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ पे है बैरन द्वीप, अंडमान में है, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार में है, जो कि बैरन द्वीप पर है। यहाँ पे जो ये बैरन है ये बैरन द्वीप है, जो बैरन ज्वालामुखी है ये कहाँ पे है, ये बैरन ज्वालामुखी द्वीप है। कौन सा द्वीप है, बैरन द्वीप, ध्यान दीजिएगा इसको, बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप पे बड़ी की मात्रा होगी। तो बैरन द्वीप पर ही बैरन ज्वालामुखी है जो भारत की सक्रिय ज्वालामुखी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो याद रखिएगा इस तरह से प्रश्न आएगा। तो भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी कहाँ है, बैरन द्वीप पर है। ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, कि यहाँ पे है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके ऊपर नारकोडम दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है नारकोडम। ये नारकोडम जो है इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। ये नारकोडम जो है वह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये नारकोडम द्वीप पर स्थित है जिसमें काफ़ी समय से उद्गार नहीं हुआ। मतलब ये कहाँ पे है, नारकोडम द्वीप, याद रखिएगा। यह है आपका नारकोडम द्वीप पर है, कहाँ पे है ये, नारकोडम द्वीप पर है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो प्रश्न ये होता है कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ध्यान सुनिएगा, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, तो उसका नाम क्या है, बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है, नारकोडम नारकोडम द्वीप पर। ये सक्रिय है और ये निष्क्रिय ज्वालामुखी। इसमें काफी समय से लावा उद्गार नहीं, किसमें, नारकोडम में काफी समय से लावा उद्गार नहीं हुआ है, जबकि बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए, उसके बारे में आपने सुना भी होगा, उसका नाम है काक्रातोवा। देख लीजिए यहाँ पे है काक्रातोवा, कौन सा है, काक्रातोवा, ये है काक्रातोवा, ठीक है, काक्रातोवा जो ये है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पे है, इंडोनेशिया, कहाँ पे है, इंडोनेशिया या इंडो नेशिया के सुमात्रा द्वीप पे, कहाँ पे है, सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप पर स्थित है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहा जाता है कि काक्रातोवा के विस्फोट होने की वजह से जो 2004 में भारत में सुनामी आई थी, 25 दिसंबर की रात में जो सुनामी आई थी, ये काक्रातोवा पे ही ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है। उसी की वजह से हम अभी जानते हैं कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो, या समुद्र में जब भूकंप आते हैं तो उससे सुनामी का भी जन्म होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या यहाँ से। काक्रातोवा कहाँ पे है, इंडोनेशिया के यहाँ पे। ठीक, इसको देखना चाहें हम लोग तो
मैप में यहाँ पे है काकरतोवा, ठीक है, देखा आपको काकरतोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है सुमेरू, कौन सा है सुमेरू, इसे माउंट सुमेरू के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, माउंट सुमेरू के नाम से जाना जाता है। ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है, कहाँ है ये, अगर इसको देखा जाए तो इंडोनेशिया में भी है लेकिन इंडोनेशिया के कहाँ पे है, जावा द्वीप पर है, इंडोनेशिया की ये जावा द्वीप पर है, देख रहे हैं ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। ये माउंट सुमेरू इंडोनेशिया का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है, देखिए अगर इंडोनेशिया का ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है, पर्वत है, इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सी, सुमेरू, और ये इसके बारे में जानते रहेगा, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है, काकरतोवा सुमात्रा पर ये जावा द्वीप पर स्थित है, और सुमेरू इंडोनेशिया का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, समझ आ गया, कौन सा नाम है, माउंट सुमेरू, माउंट सुमेरू, ठीक, माउंट सुमेरू एकमात्र क्या है, यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सक्रिय है, जो विश्व का सबसे सॉरी इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत भी है, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत आप लोग को या कोई समस्या, नहीं समस्या है ना, चलिए अगला जो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अगर आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है माउंट पिंटाबो, दिख रहे हैं ना माउंट पिंटाबो, ये फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर अवस्थित है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम एक बार हम बड़े अक्षर में लिखते हैं, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, देखिए इसका नाम है, ये हो गया माउंट, ये हो गया आपका पिनाटुबो, माउंट पिनाटुबो, ये क्या है, फिलीपींस द्वीप पर है, कहाँ पे है, फिलीपींस, ये है आपका फिलीपींस द्वीप पर है, कहाँ पे है, ये फिलीपींस द्वीप के मिंडनाओ द्वीप पर, ये फिलीपींस एक जगह है, यहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप के नाम देख लेते हैं हम लोग, उस द्वीप का नाम है मिंडनाओ, मिंड मिंडनाओ द्वीप पर स्थित है, यह भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये ज्वालामुखी पर्वत भी है, क्या है ये, यह एक ज्वालामुखी पर्वत भी है, ठीक। यहाँ पे देखिए जितने भी ये सब सक्रिय ज्वालामुखी भी बाद में बात करते हैं, यहाँ पे ये सब सक्रिय ज्वालामुखी क्यों है, इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और ये इसे परिप्रसाद मेखला पीटी के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे जो देखते हैं वो है माउंट मायन, देख रहे हैं यहाँ पे माउंट मायन आपको यहाँ दिख रहा होगा, माउंट मायन और माउंट ताल, पहले माउंट मायन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये फिलीपींस के मिंडाओ द्वीप पे भी है, ये भी कहाँ है, फिलीपींस के मिंडाओ द्वीप पे, देखिए ये भी कहाँ पे है, फिलीपींस के मिंडाओ द्वीप पर ही स्थित है, ठीक है। अब इसके बारे में विशेषता क्या है, यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह प्रशांत महासागर की परिप्रखान मिट्टी की ज्वालामुखी है, परिप्रशांत ज्वालामुखी पेटी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी पेटी है, ध्यान दीजिएगा। ये माउंट मायन के बारे में बता देते हैं आपको, माउंट मायन, कि जो माउंट मायन है ये भी कहाँ है, ये भी फिलीपींस में, कहाँ पे माउंट मायन, ये भी फिलीपींस के मिंडाओ द्वीप पे है, फिलीपींस के किस द्वीप पर है, मिंडनाओ, कहाँ पे है, मिंडनाओ, इसके पहले भी हमने पढ़ा था, इसके पहले कौन सा, फिलीपींस के मिंडनाओ पे ज्वालामुखी का नाम बताएं, तो उसका नाम क्या है, माउंट पिनाटुबो, देख रहे हैं ना माउंट पिनाटुबो है, ठीक। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माउंट मायन, माउंट मायन कहाँ है, फिलीपींस के मिंडनाओ द्वीप पर स्थित है, यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी, कौन सी ज्वालामुखी है, यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी, कौन सी ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, आगे आप समझ लीजिए ज्वालामुखी, यह एक प्रशांत महासागरी परी, देखिए ये प्रशांत महासागरी की परिप्रशांत मेखला पेटी है, इधर आओ इधर, तो ये प्रशांत महासागरी की परिप्रशांत महा पेटी की एक ज्वालामुखी है, ये प्रशांत ज्वालामुखी पेटी की, यह प्रशांत ज्वालामुखी पेटी की विश्व की सबसे बड़ी, सबसे
बड़ी ज्वालामुखी पेटी है, कौन सी है? ज्वालामुखी पेटी है, यह परिप्रसाद मेखला पेटी है जो विश्व की सबसे बड़ी परिप्रसाद मेखला पेटी है, इससे बड़ी दुनिया में कोई भी पेटी नहीं है। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे एक छोटा सा बच्चा है माउंट ताल, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जूम करके आप देख सकते हैं, ये माउंट ताल है। माउंट ताल के बारे में जानते हैं, ये भी फिलीपींस के लुनोज द्वीप पर है। कहाँ है? लुनोज, ये है आपके लुनोज द्वीप पर। कहाँ पे है ये? लुनोज द्वीप पर है। यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी, भी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सा है? सक्रिय। ठीक, ये भी परिप्रशांत महासागर पेटी की एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, इसकी ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं है। अगला जो है आपका माउंट फ्यूजियामा, कौन सा है? माउंट फ्यूजियामा, कौन सा है? फ्यूजियामा, इसको हम लोग पढ़ना चाहिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है माउंट फ्यूजियामा। ये क्या है? यह जापान के होंशु द्वीप पर। कहाँ है यह है? जो है वो जापान, जापान में कौन सा द्वीप, याद रखिएगा, होंशु, होंशु द्वीप पर है। ये जापान के होंशु द्वीप पर है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? यह सुषुप्त ज्वालामुखी। कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी। इसका ये सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण याद रखिएगा, सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, सुषुप्त ज्वालामुखी। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान के होंशु द्वीप पर है, यह सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है, यदि काफी समय इसका उदाहरण नहीं हुआ है, इसकी जो ऊंचाई, ऊंचाई तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, ऐसे गूगल पे भी इसकी ऊंचाई मिल भी जाएगी। इसकी ऊंचाई 3,376 मीटर है, सॉरी 3,776 मीटर है इसकी फ्यूजियामा की। यह सुषुप्त ज्वालामुखी है, जापान के होंशु द्वीप पर स्थित है। 3776 इसकी ऊंचाई है, कितनी है? 3776 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग एक तरफ से पढ़ेंगे कौन से, ये परिप्रसाद मेखला पेटी की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग इस पेटी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे देखिए एक माउंट पोपा बचा हुआ है, अगर इसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो शायद बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ की सभी माद। देखिए यहाँ पे बचा हुआ है माउंट पोपा, देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा होगा माउंट पोपा। ये पोपा के बारे में जान लेते, छोटी सी बात है, यह म्यांमार के पूर्वी भाग में स्थित है, सुषुप्त ज्वालामुखी। कहाँ पे है? यह म्यांमार के, म्यांमार में स्थित है, और कैसी ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। कैसी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। पोपा कहाँ है? म्यांमार में। पोपा कहाँ पे है? म्यांमार में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जितने भी ज्वालामुखी थे विश्व के सभी के बारे में हम लोगों ने एकदम आसानी तरीके से पढ़ लिया। क्या यहाँ पे आपको किसी प्रकार कोई समस्या हो तो हमें बताएं, ताकि हम लोग और आगे पढ़ सकें, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ के हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ परिप्रसाद मार्ग मेखला पेटी में देखिए, यहाँ पे कटमई दिख रहे हैं आप लोगों को, दिख रहा होगा यहाँ पे कटमई है। ठीक है, कटमई ज्वालामुखी, इसके बारे में जान लीजिएगा। यह धुआरे वाला ज्वालामुखी कैसा है? धुआरे वाला, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, धुआरे, धुआरे विषय में जान लीजिएगा। यह ज्वालामुखी आकृति से संबंधित छिद्र होता है, जिसमें निरंतर गैस तथा वाष्प, मतलब यहाँ से निरंतर ऐसे ज्वालामुखी से गैस तथा वाष्प लगातार निकलते रहते हैं। विश्व की प्रसिद्ध धुआरों में जो अलास्का के कटमई, अलास्का के कटमई है। ठीक है, यहाँ पे धुआरे के ज्वालामुखी सक्रियता के अंतिम लक्षण भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये है कटमई, कहाँ है? अलास्का, अलास्का के, अलास्का कहाँ है? अमेरिका के। ये धुआरे वाला, मतलब इसमें से गैस और वाष्प सदैव निकलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है माउंट सेंट हेलेंस, दिख रहा है आपको माउंट सेंट हेलेंस, क्या लिख रहा है? माउंट सेंट हेलेंस, इसको लिखना चाहे तो हम लोग लिख लेंगे माउंट सेंट
सेंट हेलेंस, माउंट सेंट हेलेंस, ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस। ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए के वाशिंगटन में स्थित है, ये पर्वत शिखर भी है। कहाँ पे है? वाशिंगटन में। देखिए वाशिंगटन डीसी यहाँ है, लेकिन ये वाशिंगटन में स्थित है। और इस एक पर्वत है, इसके पर्वत की जो ढलान है, ये ढलान देख रहे हैं, जिसका ढलान है वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? वहाँ पे रेड इंडियन जनजाति लोग रहते हैं। कौन से? रेड इंडियन, रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है। इसकी विशेषता और है कि 1980 में अचानक से इसमें से क्या हुआ था, लावा का उद्गार हो गया था, इससे लाखों लोगों की जाने चल गए। कुछ याद नहीं करना, माउंट सेंट हेलेंस जो है ये कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। और ये 1980 में अचानक उद्गार हो गया था, जिससे लाखों जाने गई थी। इसके ढलान पर रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। कोई समस्या हो इसकी स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, ताकि समस्या जा रहे हैं तो आपकी क्लियर होते जाए। अगला है माउंट हुड, दिख रहा होगा माउंट हुड, कौन सा है? माउंट हुड, माउंट हुड, ये माउंट हुड के बारे में कुछ नहीं रहेगा। यूएसए के कास्केड पर्वतमाला में सीधे कौन से? यूएसए में, देखिए सब यूएसए में ही है। कहाँ पे? यूएसए में। यूएसए कौन सा पर्वतमाला है? कास्केड, कास्केड, जो कास्केड पर्वतमाला है उसी में स्थित है, ठीक। इसके ढलानों पर भी लावा की मोटी परतें पाई जाती हैं। इसका जो ढलान है वहाँ पे भी क्या होती है? लावा की मोटी परतें हैं, लावा की मोटी परतें हैं, ठीक है। कौन सी? माउंट हुड, माउंट हुड का ये भी यूएसए में, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट हुड, ये दोनों वहीं पर। एक है रेनियर पर्वत, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, इसके उत्तर में देख रहे हैं यहाँ पे रेनियर, माउंट रेनियर, इसके विषय में लोग पढ़ लेते हैं। कौन सा है? माउंट रेनियर। ये माउंट रेनियर जो है ये यूएसए के वाशिंगटन में भी स्थित है, लेकिन ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है? रेनियर है, लिख लेते हैं रेनियर, माउंट रेनियर। ये भी कहाँ है? यूएसए में ही, यूएसए के वाशिंगटन में स्थित है। अच्छा, इसकी बात याद रखिए, इसकी जो ऊँचाई है वो 4995 मीटर है, 4995 मीटर है। और अमेरिका सरकार द्वारा इसे 1899 में, कब? 1899 में इसे ज्वालामुखी पर्वत को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। कहाँ घोषित कर दिया? राष्ट्रीय उद्यान। इसे कौन सा? माउंट रेनियर, रेनियर, माउंट रेनियर, यूएसए के वाशिंगटन में। इसकी ऊंचाई 4995 मीटर, 1899 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ये माउंट हुड के उत्तर में, सॉरी पूर्व में स्थित है, ठीक। कोई समस्या यहाँ से? कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या लगे तो आप पूछे। अच्छे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा, यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है उसके लिए 6306334367 पर आप कॉल कर सकते हैं। 7355179012 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तथा किसी अन्य सहायता के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े जुड़े दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर सर्च करिएगा, फिर आप ई-लर्निंग में दुर्गेश सर जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह ई-लर्निंग में दुर्गेश है, ठीक है। आप ई-लर्निंग में दुर्गेश सर जुड़िएगा, तथा इस वीडियो को सभी साथियों को अपने शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अभी तक नहीं जुड़ पाए वो लोग भी जुड़ जाएँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक उपलब्ध हैं। हमारी वाराणसी में, जौनपुर में ब्रांचेज चल रही ऑफलाइन भी, ठीक है। तो आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए ये हो गया। अब आते हैं माउंट, देखिए पोपो कैट पीटल, देख रहे हैं पोपो कैट पीटल है, कौन सा है? पोपो कैट पीटल कौन सा, देख लिया आप, लिख दे रहे हैं हम, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पोपो कैट पीटल, पोपो कैट पीटल है, ठीक है। पोपो कैट पीटल है, यह मैक्सिको के दक्षिणी भाग में, यहाँ देखिए मैक्सिको है, मैक्सिको के दक्षिणी भाग में यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे मैक्सिको के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। ये ज्वालामुखी पर्वत है इसकी, ठीक, इसके बारे में कुछ नहीं है, मैक्सिको के दक्षिण में स्थित है, इतना आप लोग के लिए बहुत है। फिर देखते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा मिलता है मानाओआ, कौन सा मिलता है?
माना ओवा। देखिए आपके लिए इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। एक है मोनाकी, कौन सा है? मोनाकी, देख रहे हैं मोनाकी। मोनाकी के बारे में देख लेते हैं हम लोग, क्या नाम है इसका? माउंट मोनाकी, ये मोनाकी है। मोनाकी कहाँ है? ये यूएसए के हवाई द्वीप में। ये देखिए यहाँ पे हवाई द्वीप है, ये यूएसए का हवाई द्वीप। हवाई द्वीप के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह हवाई, यूएसए का ये हवाई द्वीप है, ठीक है। यूएसए का ये हवाई द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कैसा है? मोनाकी सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी, कैसा ज्वालामुखी है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। आते हैं इसके और आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। इसके ऊपर में अगर हमें दिखाई देता है, देख रहे हैं यहाँ पे मोना लोवा, कौन सी है? मोना लोवा, यहाँ लिख देते हैं लोग लोवा, क्या है? मोना लोवा है। ये मोना लोवा क्या है? ये भी हवाई द्वीप में, कहाँ पे? ये भी यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है, कहाँ पे? यूएसए के हवाई द्वीप में, ठीक है। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी का लगातार उद्गार 1942 में 49 में 89 में हुआ था। इसके ढलानों की जो मिट्टी, इसकी जो ढलान की मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है, क्या है? बहुत ही उपजाऊ है, बस इससे ज़्यादा इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। यहाँ से कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से एक छोटा सा आता है इराजू, देख रहे हैं यहाँ पे इराजू, कौन सा है? इराजू, इराजू, ठीक। इराजू के बारे में जान लेते हैं, इराजू की क्या है, कैसे, कहाँ स्थित है, ठीक। इसकी विशेषताएं क्या है, तो अब बताएंगे इराजू के बारे में। हम लोग ही शुरू किया जाए, कहाँ पे स्थित है ये इराजू, ठीक। ये मध्य अमेरिका देश, ये मध्य अमेरिका देश के कोस्टा रिका में स्थित है, कहाँ पे? कोस्टा रिका, यहाँ पे एक स्थान है। ये मध्य अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका, ठीक, कोस्टा रिका में स्थित है, बस इससे ज़्यादा इसमें से नहीं पूछेगा। और आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए एक है यहाँ पे आपका कोटा पैक्सी, ध्यान दीजिएगा, कोटा पैक्सी, ये आपके कई बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कौन सा है? यहाँ पे हम लिख देते हैं कोटा पैक्सी, कहीं कहीं कोटा पैक्सी मिलता है, कोटा पैक्सी, दिखा देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, हेडिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, देखिए यहाँ पे इक्वेडोर, देखिए कोटोपैक्सी देश है, कौन सा देश है? इक्वेडोर, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कौन सा देश? इक्वेडोर, कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एक सक्रिय ज्वालामुखी कैसा है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, यह विश्व का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे सक्रिय ऊंचा है, ऊंचाई में सक्रिय है, क्या है इसका नाम? 5896 मीटर, 5896 मीटर इसकी ऊंचाई है, 5896 मीटर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, इक्वेडोर का है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला देखो चिम्बाराजो है, कौन सा? चिम्बाराजो, यहाँ पे देखिए चिम्बाराजो, क्या नाम इसका? चिम्बा
राजू, क्या नाम इसका, चिम्बा राजू। ये भी दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में भी है। कहाँ पे है ये भी, इक्वाडोर का, ये इक्वाडोर में, ठीक है, ये भी ये इक्वाडोर में स्थित है। एक मृत ज्वालामुखी भी कैसा है, यह मृत है, ठीक, इसमें लावा निकलता नहीं, लेकिन ये भी उसकी ऊंचाई 6310 मीटर है। ये मृत ज्वालामुखी में ऊंचाई पर है, ठीक है, कहाँ पे है, मृत ज्वालामुखी में ये ऊंचाई पर है। जबकि सक्री में कोटापैक्सी है 5896 मीटर था, ठीक। यहाँ से कोई समस्या आपको, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, कुछ ही और ज्वालामुखी बचे हुए। देखिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा तथा हमारे फेसबुक पेज इलेनी विद्रुगेश पे आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर एक जगह, ठीक है। हमारे ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो है यहाँ पे अंका गुआ दिख रहा होगा, अंका का गुआ कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका के चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर है। क्या नाम है इसका, अंका गुआ। देखिए ये कहाँ पे है, ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, ठीक है, और ये भी मृत ज्वालामुखी है। अगर मृत ज्वालामुखी की बात करें तो इसकी भी जो ऊंचाई है वो भी ज़्यादा है, कितनी है याद रखिएगा, यह दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है। अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है आपको पता है, नहीं पता, 6908 मीटर, माने चिम्बा राजो से भी ऊंचा है। इससे चिम्बा राजो 6310 मीटर था जबकि 6908 मीटर है। क्या नाम है, अकांका गोवा, ठीक, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे सर्वोच्च शिखर है। अब स्क्रीन शॉट भी लेते जाइएगा, नोट्स में लिखते भी चलिएगा, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश्वर, बिना स्पेस दिए, क्या सर्च करिएगा, दुर्गेश्वर, DURGESHSIR। जैसे टेलीग्राम पे दुर्गेश्वर सर्च करेंगे आपको इलनी विद्रुगेश से ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे सभी वीडियो लेक्चर नोट्स पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे देख रहे हैं ओजोस डेल सलाडो नाम ही बड़ा, ये भी जो है वो भी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। अच्छा एक दिक्कत ही हो गई बताते समय, थोड़ी सी गलती हो गई, ये अकांका गुआ जो है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6959 मीटर, सॉरी अकांका गुआ की जो है, ध्यान दीजिए छोटी सी गलती हो गई, अकांका गुआ, देखिए इसकी दक्षिण में है ना, अकांका गुआ जो है इसकी जो हमने ऊंचाई बताई थी वो ऊंचाई 6000, ऊंचाई कितनी थी, 6959 मीटर, ठीक। जबकि ओजोसो डेल सलाडो की जो ऊंचाई थी वो 6908 मीटर थी, इसकी पहले हमने उल्टा बता दी, हमने अकांका गुआ की ऊंचाई ये बता दी थी, ठीक है, जो गलत है। अब इसकी ऊंचाई ये सही है, ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी, ये सही है, और इसकी ऊंचाई ये सही है, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक यहाँ बचा हुआ माउंट पीस, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ये माउंट पीस क्या है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये देखिए ये तो हवाई द्वीप, सॉरी ये हवाई द्वीप तो नहीं है, ये तो वेस्ट इंडीज है यहाँ पे ना, तो ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह पर अवस्थित है। एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, माउंट पीस, नाम पीस है लेकिन क्या है ये सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पे, ये वेस्ट इंडीज में, कहाँ पे है, माउंट पीस वेस्ट इंडीज में है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोग को, कोई समस्या हो तो बताइएगा, हम सदैव हल करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन आप टेलीग्राम पे जरूर दुर्गेश सर्च करके जुड़िएगा, ठीक है, और फेसबुक पेज पे इलनी विद दुर्गेश है, स्वयं भी जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को भी इलनी विद दुर्गेश पे ऐड कर दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया माउंट पीस की तरफ से हो गया, अभी की करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे
माउंट एटना है, देख रहे हैं ये एटना यहाँ पे दिखाई दिया होगा आपको, यह इटली सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे? इटली और सिसिली, इटली इटली हुआ सिसिली द्वीप पर है, कहाँ पे? इटली है, सिसिली द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह लगभग 3500 वर्षों से लगातार निकल रहा है, इसमें लावा लगभग 3500 साल से भी ज़्यादा समय से इसमें लगातार लावा निकल रहा है, इसलिए क्या है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सी ज्वालामुखी है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, यहाँ से कोई समस्या आपको? अब अगला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है आपका कौन सा, अगला जो आपका है वह है बीचों बीच दिख रहे हैं स्ट्रम्बोली, यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रम्बोली। ठीक, कौन सा है? स्ट्रम्बोली, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो हम लोग कौन सा है? स्ट्रम्बोली। स्ट्रम्बोली के बारे में लिखेगा, देखिए ये सिसिली से, देखिए सिसिली द्वीप से ये उत्तर में है, सिसिली द्वीप से उत्तर में है। ठीक है, और इटली के दक्षिण में, मतलब इटली से दक्षिण, इटली से दक्षिण में है और सिसिली द्वीप से उत्तर में। ठीक, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी कैसा है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इससे निकलने वाला जो लावा होता है काफी गाढ़ा लावा होता है। लावा कैसा होता है? काफी ज्यादा गाढ़ा लावा होता है, जो लावा होता है काफी गाढ़ा होता है। अच्छा, ये सदैव इसमें से लावा निकलता रहता है, सदैव लावा निकलने के नाते, ठीक है, इसे लावा हमेशा निकलने के नाते इसे क्या कहते हैं? इसे भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसे भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ, स्ट्रम्बोली को भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यहाँ से कोई समस्या आप लोग को? कोई समस्या नहीं है ना। चलिए देखिए आगे जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे विषुवीयश, ये देखो तीनों जो ये विषुवीयश है यह क्या है? एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो विषुवीयश है विषुवीयश सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, ये इटली के पश्चिम में, देख रहे इटली ना, ये भी इटली के पश्चिम में, वेस्ट में, इटली के पश्चिम में विषुवीयश, ये भी सुसुप्त ज्वालामुखी है। बस लगभग क्लियर हो चुका है। और तब लोग है ना माउंट लाकी, हेक्सला, देखिए यहाँ पे माउंट लाकी और हेक्सला है, देखिए कौन कौन से, ये नीचे जो देख रहे हैं ये है लाकी, ऊपर जो है जो ऊपर हेक्ला है, हेक्ला, हेक्ला और लाकी है। ठीक है, ये दोनों आइसलैंड में है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे है? आइसलैंड में, दोनों सक्रिय ज्वालामुखी, कौन सा है? लाकी और हेक्ला सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक है, बस अब कुछ बचा ही नहीं है, कौन सा बचा है? हो गया लगभग क्लियर, माउंट कैमरून बचा है, अच्छा कैमरून बचा है, और देख लीजिए यहाँ पे एक माउंट कैमरून बचा है। देखिए माउंट कैमरून के बारे में जानिए, ये नाइजीरिया और कैमरून विस्तृत एक पर्वत है, जागृत ज्वालामुखी है। अच्छा एक ध्यान दीजिएगा, ये अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, ये अफ्रीका महाद्वीप का, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे जागृत भी कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम है कैमरून, कैमरून। ठीक, कैमरून है, माउंट कैमरून एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अफ्रीका का। तो यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक और बचा हुआ है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, वो क्या है? यहाँ पे है किलिमंजारो, क्या नाम उसका? किलिमंजारो, देख रहे हैं यहाँ पे
किलिमंजारो है। एक किलिमंजारो के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में भी किलिमंजारो है। किलिमंजारो है ये तंजानिया, तंजानिया देख, तंजानिया तंजानिया के उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी तंजानिया के उत्तर पूर्वी पर एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। यह कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का अगर ये देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है, शिखर है चोटी है जिसकी किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर। 5,895 मीटर कितना? 5,895 मीटर में। क्या नाम है इसका? किलिमंजारो नाम है, किलिमंजारो यहाँ पे दिया है। ठीक, यहाँ लगभग क्लियर हो चुका है, अब कोई तो बचा नहीं है, अगर कोई बचा हो तो बताएं, मतलब लगता सारा हो चुका है दी। अच्छा यहाँ बचा हुआ एक तो देवाबंद, ये देवाबंद क्या बचा है? देवाबंद यह ईरान के एल्बुस पर्वत पर है। कहाँ पे है? ईरान के एल्बुस पर। ईरान, ईरान एक देश है, इसका कौन सा पर्वत है? एल्बुस। एल्बुस, एल्बुस पर्वत सबसे ऊंची चोटी देवाबंद 170 ज्वालामुखी है। ठीक, इसकी 5,600 मीटर की ऊंचाई है, 5,601 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस प्रकार हम लोगों ने लगभग विश्व के सभी ज्वालामुखी को, पर्वतों को पढ़ लिया जो हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे या जो वहाँ पे परीक्षा प्रश्न पूछे जा सकते थे। ऐसे भी कोई प्रश्न छूटने के चांस तो ज़रा भी नहीं है, फिर भी यदि आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछते हुए जाना चाहते हैं कि विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ठीक, दूसरा, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एक प्रश्न, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? इस सभी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके दीजिएगा तथा इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। किसी अन्य भी सहायता के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ईलर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं, और हमारी क्लासेज वाराणसी, जौनपुर, अन्य जनपद के में भी धीरे धीरे ऑफलाइन भी प्रारंभ की जाएंगी। इनमें कोई सुझाव भी होगा तो आप हमें जरूर दीजिएगा, और इसी वीडियो को पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा, इसके नोट्स भी आप साथ में बना लीजिएगा। आपकी इच्छा है इसे लिखते भी चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए। ये जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार में हमने देखिए कोटा पैक्सी यहाँ पे देख रहे कि खटुमई तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी तीनों विश्ववत, इस्तांबुल, एटना, ये तीनों, माउंट कैमरून, किलिमंजारो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे काक्रातोवा ये इंपॉर्टेंट है, नारकोडम बैरन ये इंपॉर्टेंट, माउंट पोपा, फ्यूजियामा, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी बेल्ट बनती है, उस बेल्ट को दिखा दे कि यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये परिप्रशांत महासागर की पेटी है। यहाँ पे विश्व के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, ज्वालामुखी फूटेंगे तो यहीं पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा भूकंप भी आएंगे, इसे इसलिए इसे परिप्रशांत मेखला पेटी के नाम से भी जाना जाता है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सभी प्रश्नों के जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी क्रम में हम लोग लगातार रटलो प्रश्नों की एक एक सीरीज उठाएंगे और एक एक सीरीज की व्याख्या आपके सामने करेंगे। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, पूरी तरह समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।